नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले छिड़ चुकी है विकेट कीपर्स की जंग। तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 जून को खेला जाएगा और यह मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाने वाला है। और इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है और टेस्ट सीरीज का आगाज 2 जून को होगा, जबकि भारतीय टीम अभी इंडिया में ही है और भारतीय टीम 2 जून को इंग्लैंड के दौरे के लिए रवाना होगी। यहाँ पर इंग्लैंड पहुंचने के बाद भारतीय टीम 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेगी और फिर 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ पर खेलने के लिए साउथहैम्पटन मैदान में उतरेगी, लेकिन इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के सामने प्लेइंग 11 में विकेट कीपर को चुनने के लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है, क्योंकि टीम इंडिया में केएल राहुल, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा जैसे तीन खिलाड़ी शामिल हैं। बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल हाल ही में खेले गए आईपीएल सीजन 14 में यहाँ पर उन्होंने पंजाब किंग्स की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने भी पिछले कुछ समय में इंडिया और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और इसके अलावा रिद्धिमान साहा को ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं। तो कुल मिलाकर WTC के फाइनल मुकाबले की प्लेइंग 11 के लिए तीनों ही खिलाड़ी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से WTC के मुकाबले में किस खिलाड़ी को जगह मिलने वाली है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक क्रिकेट की जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।